नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो टाउनशिप लाया हूँ उसकी लोकेशन जो है बहुत ही शानदार है रेजिडेंस वालों के लिए, क्योंकि जो रेजिडेंस वाले उनको सिटी के नज़दीक चाहिए। तो आज हम सिटी के नज़दीक ही ये टाउनशिप आपको बताने आए हैं। 70 बीघा की ये टाउनशिप है। सिरसी रोड इंदाईगा फाटक क्रॉस करते ही हमारी टाउनशिप है। मेन 100 फीट रोड से इस टाउनशिप की एंट्री होती है, प्लस 80 फीट रोड से एंट्री होती है। पीछे एक 80 फीट है, वो 120 फीट है। तो इसमें रोडों की तो भरमार है। हमारे यहाँ 60 फीट रोड है, 80 फीट रोड है, 100 फीट रोड है, प्लस कॉलोनी के जो अंदर की रोड है उसमें, जैसे मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, ये 60 फीट है, ये रोड है, ये 60 फीट है, कॉलोनी ये इधर जा रही है, आगे एक 60 फीट में मिलती है, और इधर ये जो आपको ये मकान वगैरह दिख रहे हैं, ये जो मकान है इनके यहाँ 80 फीट रोड है, और कॉलोनी की जहां से एंट्री होती है यानी कि सामने की साइड, तो वहां भी एक 100 फीट रोड है। तो कनेक्टिविटी जो होती है ना, कनेक्टिविटी वो तो इसमें भरपूर है। मतलब चारों तरफ से इस कॉलोनी में कनेक्टिविटी है, सिटी से भी रहने वाली है, प्लस सिरसी रोड से तो इसकी कनेक्टिविटी है। मेन सिरसी रोड से मात्र 50 मीटर आपको 100 मीटर चलना है, आपको 100 मीटर चलोगे तो हमारी टाउनशिप आ जाती है, और टाउनशिप के अंदर घुसते ही जो प्लॉट है, सबसे बड़ी खास बात यह है, 100 फीट रोड से घुसोगे आप, 60 फीट रोड है, 60 फीट रोड पर जो प्लॉट है आपको 29,900 रुपये में मिल रहे हैं, प्लस बड़ी रोड के, उससे बड़ी रोड के जो भी प्लॉट हैं उन पे 35,900 की रेट है। बाकी जितने भी प्लॉट है सारे 29,900 की रेट है। 70% तक लोनेबल है, प्लस रजिस्ट्री इसमें है, इस टाउनशिप में रजिस्ट्री है। अभी कुछ दिन पहले यानी 28 जनवरी को इसका लॉन्चिंग इवेंट हुआ था, मैंने इन्वाइट किया था, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। हाँ, वो अलग बात है, जो लोग आए थे, कईयों ने प्लॉट लिया, कईयों ने नहीं लिया। अभी भी देखो देर नहीं हुई है, रेट अभी तक बढ़ी नहीं है, वही रेट है जो प्री लॉन्च यानी जो लॉन्च की रेट थी वही रेट है, अभी रेट बढ़ी नहीं है। जब रेट बढ़ेगी तो हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। अभी तो कोई मतलब ऐसा अंदेशा नहीं है रेट बढ़ने का, लेकिन बढ़ेगी जरूर रेट। 20% माल इसमें बुक हो चुका है, यानी कि देखो 20% का मतलब ये होता है कि जो क्रीम है वो निकलना शुरू हो चुकी है। तो अभी अपने पास कुछ क्रीम बाकी है, तो जिनको क्रीम चाहिए ना, वो स्क्रीन पर नंबर एक बार कॉल करो, विजिट करो। देखो कॉल और विजिट का आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, वही सब कुछ फ्री है। तो आप कॉल करके जानकारी तो ले ही सकते हो, लेना नहीं लेना वो बाद की बातें हैं। विजिट करने में भी आपका कुछ नहीं जाता, हम ही करवाते हैं आपको विजिट, आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा। आपको बस ऑफिस तक आना है या साइट तक आना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो मैंने विजिट का जो भी प्रोसेस है वो हम करते रहेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिटी के चारों तरफ घूम लेना, इससे नजदीक आपको कोई टाउनशिप नहीं मिलेगी इस रेट में। यहां से सिंधी कैंप मात्र 14 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है इस कॉलोनी में जहां से मैं अभी खड़ा हूं। यहां से गूगल लोकेशन आप लगा के दे सकते हो, इससे नजदीक आपको कोई टाउनशिप नहीं मिलेगी, प्लस कनेक्टिविटी इससे बेटर किसी की नहीं मिलेगी। यहां से आप बस फाटक क्रॉस करोगे, मेन रोड पे सिरसी रोड पे आपको बस मिल जाएगी जहां जाना है वहां के लिए। और इधर से अगर कालवाड़ रोड की कनेक्टिविटी बताऊं तो मैं कालवाड़ रोड की जो है ना, जो 100 फीट रोड मैं आपको बता रहा था कॉलोनी की जिससे एंट्री है, वो 100 फीट रोड कालवाड़ रोड को ही टच करती है। और इधर मैं पीछे अगर मैं इधर बताऊं आपको तो कीड़िया कोठी है, ये इसके बैक साइड में पड़ती है हमारी टाउनशिप। तो अगर रोडें बनती है, जैसे अभी तो नहीं बनी हुई है, जब बनती है तो कीड़िया कोठी की डिस्टेंस भी मात्र 100-150 मीटर की डिस्टेंस रहेगी। और आसपास से स्कूलें वगैरह वो सब इसमें वीडियो में मैं डाल दूंगा हाईलाइट में, तो वो सब आप देख सकते हैं, जो स्कूलें वगैरह है या फिर जो मॉल वगैरह हैं वो सब आसपास। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, प्लस स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, तो सारी सुविधाएं आपको नियर बाय मिल जाती है, प्लस सिटी के नजदीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन रेजिडेंस वालों के लिए हो ही नहीं सकता। और इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी है, वो इसलिए देखो सिरसी रोड इतने दिन काम चल रहा था, मोस्टली काम हो चुका है, कोई थोड़ी बहुत बीच में से बची हुई है वो बन जाएगी, तो ये ट्रैफिक वाली जो समस्या थी वो भी खत्म हो जाएगी। सिरसी रोड पे लोग इसलिए नहीं आना चाहते थे कि छोड़ा क्या है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है ये, क्योंकि रोड छोटी थी, भीड़ ज्यादा थी, तो अब वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है। ये रोड मोस्टली बन चुकी है, अभी ट्रैफिक वाला जो सिस्टम है वो भी खत्म हो चुका है, और
अजमेर रोड से कनेक्ट करने के लिए अपने 300 फीट आ रही है, जिसमें से एक 200 फीट का अनाउंस हो चुका है, जो आपकी भागरोटा से सिरसी तक यानी 5 किलोमीटर बनना अनाउंस हुई है। तो ये समझ लो आने वाले साल भर में आपको 200 फीट की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। जो फ्लाईओवर की बात चल रही थी वो इसी क्रॉसिंग पे बनेंगे फ्लाईओवर, तो एक 200 फीट अपनी कॉलोनी के उस साइड से और एक 200 फीट अपनी कॉलोनी के इस साइड से, यानी दोनों के बीच में अपनी टाउनशिप आती है। तो जिस रोड से आप जाना चाहते हो आपके लिए दो दो ऑप्शन है, वो भी नियर बाई, दूर नहीं है नियर बाई। अभी आपको जाने के लिए ये दिल्ली एक्सप्रेसवे वाला जो बाईपास है वहां से होके जाना पड़ता है, बाकी और भी कनेक्टिविटी है, जो लोग जानते हैं उनके वो पता है, बाकी अंदर से और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी है, कालवा रोड से भी कनेक्टिविटी है। और जिन लोगों को पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कालवा रोड जो है वो NH है, यानी नेशनल हाईवे है, जो जयपुर टू जोधपुर कनेक्ट करता है, जयपुर को जोधपुर से कनेक्ट करता है, तो वो हाईवे भी NHAI के अंडर आता है, तो जल्दी वो हाईवे भी बनेगा, तो कनेक्टिविटी का और जितने जो भी मसले हैं वो भी सॉल्व हो ही जाएंगे। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए इसके बारे में, साइट के बारे में, मेरे और भी प्रोजेक्ट हैं, महिंद्रा सेज के पास भी है, सिक्कर रोड पे भी है, तो और भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो तो आप स्क्रीन पर नंबर एक बार कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, लोकेशन ब्रोशर सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन कॉल करोगे तो ही पॉसिबल है। सवाल आपके मन में है, दूर मैं कर सकता हूं लेकिन कॉल करोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब साइट का एक बार व्यू ले लो आप। जय माता दी।